नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भीतरवार विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आदमपुर में विकास कार्य और शासन की योजना स्थानीय सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। पंचायत में केंद्र की पीएम आवास योजना में भी भारी घोटाला किया गया है। पंचायत में हितग्राहियों के आवास विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन डले हुए हैं। इनकी पहली किस्त की राशि का भुगतान इनके खाते में किया गया। इसके बाद जनपद पंचायत सीओ ने हितग्राहियों को अपात्र बनाकर नोटिस भी जारी किया, जिसमें हितग्राहियों से राशि वापस किए जाने को कहा गया। सवाल ये उठता है कि अगर हितग्राही अपात्र था तो पहले कैसे पात्रता दी गई? कहीं न कहीं भारी भ्रष्टाचार योजना में किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सरपंच के द्वारा दूसरी किस्त डलवाए जाने के लिए रिश्वत में 30,000 रूपये मांगे जाने की शिकायत की है। यहां आपको बता दें कि पंचायत में स्वीकृत निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ताहीन कार्य कराकर शासन के लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है। पंचायत में स्थानीय सरपंच और जिम्मेदारों की मिलीभगत में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं पंचायत में बना ग्राम पंचायत भवन भी जर्जर हालातों में है, जो कि नशेड़ी और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। और पंचायत में राज्य शासन के आदेशों की भी जमकर अवहेलना सरपंच और जिम्मेदार कर रहे हैं। पंचायत में ठहराव प्रस्ताव और निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रत्येक माह होने वाली पंच बैठकें और शासन की तमाम योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए ग्राम सभाएं भी नहीं होती हैं और बिना बैठकों के ही पंचायत में निर्माण कार्यों को स्वीकृति स्थानीय सरपंच ले लेते हैं और फिर उस राशि में घोटाला कर अपनी जेब भरते हैं। उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच की शिकायत ग्वालियर जिला पंचायत और लोकायुक्त विभाग में की है। उनका कहना है कि जनपद पंचायत भीतरवार में सीओ को कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। उक्त मामले को लेकर जब जनपद पंचायत सीओ भीतरवार मीडिया के कैमरों के सामने आए और उनसे मामले को लेकर सवाल पूछे गए, तब वो आक्रोश में आकर अपना आपा खोते हुए असंतोषजनक उत्तर देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। देखिए जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद रावत है। अरविंद जी, यहाँ पर ये ग्राम पंचायत आदमपुर में ये जो पंचायत भवन बना हुआ है काफी जर्जर अवस्था में है, और क्या इस पे पंचायत भवन में कभी सरपंच या सचिव द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता या फिर ग्राम सभा नहीं ली जाती? नहीं, यहाँ पर कभी कोई ग्राम सभा नहीं ली गई है। यहाँ तक पता है मुझे कि यहाँ तक मैं अपनी लाइफ की बताऊँ तो यहाँ तक अभी तो मैंने कोई ग्राम सभा नहीं देखी सरपंच इकट्ठी द्वारा ली जा रही है कोई। तो यहाँ पर ऐसे कि विकास कार्य जो रहते हैं, विकास कार्यों के लिए यहाँ पर जो स्थानीय सरपंच सचिव द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ पर विद्यालय भी बना हुआ है जो कि इतनी बुरी स्थिति में है। यहाँ पर ये कूड़ा कड़कड़ डला हुआ है, यहाँ एक तरह से जंगल जैसा माहौल बना हुआ है। तो इसमें शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार शिकायत कर चुके हैं यहाँ पे भीतरवार जाके तो कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ऐसे आप कितने अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं? किन किन के यहाँ शिकायत लगाई गई है? तहसील में ही कराई है बस सर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय सरपंच और सचिव का क्या कहना है इसमें? बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, शिकायत करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? दामोदर साहब के। दामोदर जी, आपका पीएम आवास बन गया है या किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर वो बना तो मिल तो गया था लेकिन ये किस्त मिलने के बाद सरपंच का भाई मेरे से 30,000 रुपये मांग रहा था, बोल रहा था कहीं मेरी लगते हैं वहाँ पर। भाई का क्या नाम है? जेंदर। स्थानीय सरपंच का क्या नाम है? पफिन। सरपंच से बात की आपने? सरपंच नहीं आता, वो तो उसी का भाई आता है। आपने इस बारे में कभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया? हाँ, मैं पंचायत भीतरवार गया था सीओ के साहब के पास, तो वो बोल रहे, उन्होंने भी बोला था कुछ जिसका कोई गरीब आदमी का भला हो रहा था वो नहीं तो तुमको क्या दिक्कत है, लेकिन उन्होंने उसका ट्रांसफ़र हो गया। फिर गया, मैंने कहा सर ये मेरे से 30,000 रुपये मांग रहे थे, तो वो अधिकारी बोल रहे कि नहीं लगते पैसे, तुम्हारा आवास निकलेगा, तो उन्होंने फिर भी नहीं मानी। मौके पर अभी आपका अधूरा आवास पड़ा हुआ है। हाँ। कितना समय हो गया है और कब से ये? कम से कम 3 साल से ऊपर उनको आया। पहली किस्त में आपने अपना आवास तैयार करवाया है, अब अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ, अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कार्रवाई करेंगे और क्या आपकी मांग? अब मैं तो ऐसे ही अधिकारियों के पास जाता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है, और एक अधिकारी और आया था, दोहरे साहब बोलते हैं उसको, ग्वालियर के हैं मुरैना के, वो बोल रहे कि 5,000 मेरे को दे जब करवाऊँगा। ग्राम पंचायत आदमपुर में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कई शिकायतें हो रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई रही है सर? नहीं, मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं आई है। आदमपुर ग्राम पंचायत की एक शिकायत आई थी शुरू अगस्त जुलाई में, जिसमें SDM साहब उस पर पेनल्टी लगा चुके हैं, 50,000 की वसूली हो चुकी है।
उसमें सर हुआ जो 15 से ग्रामीणों के अधूरे आवास पड़े हुए हैं जिन पर लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधूरे आवासों का निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत नहीं करता, हितग्राही को स्वयं को करना होता है, उसमें ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं। सर स्थानीय ग्रामीणों के खाते में हितग्राही के खाते में एक बार ही की राशि दी गई है, इसके बाद में दूसरी राशि मांगे जाने पर उनके लिए 33,000 रुपये की स्थानीय सरपंच रिश्वत की मांग। ये तो आप ऐसा कोई प्रमाण दो ना, कोई आवेदन दिलवा, कोई शपथ पत्र दिलवाइए। ग्रामीणों के आरोप है सर कि कई बार, अरे ग्रामीण के आरोप दिलवाइए ना आप लिखित में, आप नाम बताइए कौन सा आदमी आरोप लगा रहा है। कई बार नहीं, नाम बताइए हितग्राही का नाम, आप हितग्राही का नाम बताइए कौन सा हितग्राही आरोप लगा रहा है। गांव के सर आधे से ज्यादा, अरे नाम बताइए आप, ऐसे आधे से ज्यादा नहीं, नाम बताइए कौन सा आदमी आरोप लगा रहा है। लोकायुक्त में जिला पंचायत में सर कल शिकायती आवेदन, तो कल शिकायती तो नहीं, वो तो जो जिनके शिकायती वो कार्रवाई कर रहे होंगे ना सर। मौके पर जाकर कोई मूल्यांकन और मौके पर जाकर मूल्यांकन होता है, नहीं करते हैं, इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं है सर। नहीं मौके पर जाकर ही मूल्यांकन होता है, गुणवत्ता का परीक्षण हो चुका है वहाँ पर, कार्यपालन यंत्री ने गुणवत्ता परीक्षण करके कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की रिपोर्ट दी है। तो सर मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड में है कि 5 साल तक जो निर्माण कार्य रहते हैं वो 5 साल तक चलने की प्रोटोकॉल है, लेकिन आप ये सारी बातें मौके कर रहे हैं, आप मुझे कोई आवेदन दीजिए, मुझे काम बताइए, काम का नाम बताइए, हितग्राही का नाम बताइए, अपर उसमें कार्यवाही करेंगे। पूरा गाँव नाराज है, पूरा गाँव विरुद्ध, इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक हितग्राही का नाम बताइए ना, कौन सा हितग्राही नाराज है, किस हितग्राही को पैसा नहीं मिला है, कौन सा काम खराब है, नाम बताइए का।